वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो है फोर्थ रोज़ा, आज जो है वो रमज़ान का चौथा दिन है और अभी मैं सहरी बनाने के लिए उठी हूँ और यहाँ पे मेरी बेटी भी जो है आज नहीं सोई है, हम लोग के साथ ही ये उठी हुई है। मतलब हम लोग सोए ही नहीं थे, अभी तक जाग रहे थे, बट ये जो है आज जल्दी नहीं सोनी है और यहाँ पे अभी उठी हुई है। इधर आइए। और ये जो है वो एप्पल खा ली है, हाथ में भी सहरी कर ली है। आप भी रोज़ा रखोगी? बताइए जल्दी से, रोज़ा रखोगी? रखोगी ऐसे करके रखोगी? ओके। सोचा कि आज बना ही लेती हूँ, तो आज मैं रोटी बना रही हूँ, साथ में कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा वगैरह चढ़ाया हुआ और गैस बहुत स्लो आ रही है, इसके साथ अभी तक कुछ भी गर्म नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा तब तक वीडियो देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी क्या कर रही है? क्या कर रही हो? रखिए ऑनियन, रखिए, डोंट टच दिस अगेन। ओके, रोटी तो बेल ली, लेकिन तवा जो है अभी तक गर्म नहीं हुआ, तो मैंने शामी कप जो चढ़ा दिया। गैस इतनी कम आ रही है और मेरा हाथ पूरा आटा आटा हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग की सहरी जो है वो हो चुकी है। और आज जो है मैं थोड़ा बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो आज इसलिए वीडियो में थोड़ी सुस्त सुस्त हूँ। तो सहरी तो हो गई और साथ ही मैंने अपना घर जो है पूरा क्लीन कर लिया है, पूरा घर जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया। सहरी करने के बाद अभी सो जाएंगे और उठेंगे तो फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी घर साफ़ करने में। और यहाँ पर फातिमा जो अपने बाबा से ऑरेंज मांग रही है, आज ये जाग रही है तो आज ये भी हमारे साथ सहरी कर रही है। हाँ फातिमा, बाबा को बोले बाबा मुझे बाउल में रख के दिए, जाइए जल्दी से। पर जो है वो फातिमा सो चुकी है, बहुत ही मुश्किल से सोई है, सो ही नहीं रही थी, ये सहरी कर रही थी हम लोग के साथ ही और खेल रही थी। और अभी जो है वो टाइम हो रहा है 6:45 का भी टाइम हो रहा है और अब मुझे आ रही है नींद, बस अब सो रही हूँ मैं। ये मेरी तरफ से गुड नाइट। पर जो है मैं फातिमा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ और साथ ही मैंने बीफ निकाल के रख दिया था उठते ही, और ये लगभग जो है वो टूट चुका है, अब होने ही वाला है ये। और रोटी मैं नहीं बना रही हूँ फातिमा के लिए, सुबह सहरी में मैंने रोटी बनाई थी तो उसमें से एक रोटी बच गई थी, तो ये रोटी रखी हुई है, तो अभी यही फातिमा को जो है वो चाय के साथ दे दूंगी। एग भी, एग चाहिए? अच्छा, एग भी फ्राई कर रही हूँ डिमांड पे भाई, यहाँ पे उसके लिए एग भी फ्राई हो रहा है, क्योंकि अगर मैं उसके लिए एग फ्राई नहीं करती तो उसे ब्रेकफास्ट नहीं करना था और रो रो के मेरे सर में दर्द कर देना था। तो वेलकम बैक, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं फातिमा के मैंने ब्रेकफास्ट बनाई थी, तो ब्रेकफास्ट बना लिया, उसने कर भी लिए। और अभी जो है मैंने आप लोग को सुबह सहरी में बताया था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और अभी भी हो रहा है, जिसकी वजह से आज मैं लेट उठी हूँ। और अभी फातिमा ने ब्रेकफास्ट किए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट हुए होंगे और अभी टाइम हो रहा है 4:55 का भी टाइम हो रहा है। और अभी जो है मुझे खाना भी बनाना है, जैसे कि बीफ मैंने निकाल के रखा है, अच्छा हुआ पालक मैंने कल काट लिया, अगर नहीं काटती तो अभी तो बस टाइम ही निकल जाता। अभी मुझे खाना भी बनाना है और नीचे भी जाके अफ्तारी का भी इंतज़ाम देखना है, तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ करती हूँ। तो कोई नुकसान नहीं करे, इन्हें कहाँ से सुकून मिलता है, इन्होंने पूरा स्टिकर उतार दिया था और अभी फिर से उतारी। बेटा नहीं, मामा ने घर साफ किया था, अभी मामा को दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा, प्लीज़ डोंट डू दिस। ओके, फ्रूट्स कट करने पर बिठा दिए, मैंने कहा उजय कर दे और मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो इसीलिए उजय को दे दिया ताकि उजय जल्दी फ्रूट्स कट कर देंगे और मैं बाकी काम कर लूँगी। इनके पीसेस करना, कर देंगे इंशाल्लाह, इनके पीसेस कर दो वरना ये ऐसे खाया नहीं जाएगा। और इसके भी पीसेस करना छोटे छोटे। फातिमा को यहाँ पे पोनी लगा दीजिए, फातिमा ने ड्रेस चेंज कर ली है, क्या करी, चावल चढ़ा रही हो, और इसका रोज़ा है, तुम्हारा भी रोज़ा है। अच्छा, दार ने नमाज पढ़ी है, हाँ रोज़ादार, रोज़ा हो। ये लो फातिमा को पोनी लगाओ जल्दी से, मैं जा रही हूँ ऊपर खाना बनाने के लिए। लो पोनी गिरा दी, सही। मैंने अपना खाना चढ़ा दिया, यहाँ पे जो है वो प्याज ब्राउन हो रहे हैं, मैंने प्याज में डाल दिए, तो जब तक प्याज ब्राउन हो रहे तब तक मैं चल के जो है वो अपना रूम क्लियर कर लेती हूँ। प्याज ब्राउन होने में वैसे भी टाइम लगेगा, तब तक जो है मैं अपना रूम समेट लूँगी। बस रूम समेटना ही है, झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, बस रूम समेटूँगी और रूम डन हो जाएगा। तो मेरा जो है वो पूरा डन हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और साथ साथ जो है मैं किचन में अपना खाना भी बना रही थी और यहाँ पे जो है वो सालन भी लगभग होने ही वाला है। ये पतीली छोटी थी तो फिर मैंने इसको बड़ी पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया और मेरे किचन का कुछ ये हाल हो रहा है, तो जल्दी से किचन भी साथ साथ समेट लेती हूँ। पर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा ही बच गया है। ये बार बनाया था तो दो कंटेनर बने थे, एक एक्स्ट्रा कंटेनर बना था तो वो भी डी में रखा हुआ है, तो वो निकाल लेती हूँ। उससे पहले जो है वो लाइट ऑन कर दूँ। एक तो इसमें से कुछ ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल है, इसमें इतना कुछ रखा हुआ है। फाइनली मिल गया, ये रहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीज हो रहा है। तो मेरा खाना लगभग रेडी होने ही वाला है, उसमें मैंने पालक डाल दी, अब तो ये बस 10-15 मिनट में जो है वो पक ही जाएगा, जैसे ही पालक गलेगी और पानी छोड़ेगी। तो इसको अभी छोड़ के जाती हूँ मैं नीचे।
मेरा लगभग डन होने ही वाला है। मैंने सोचा चलो नीचे चली जाती हूँ अफ्तारी में, सिर्फ आधा एक घंटा रह गया और मैं अभी तक नीचे भी नहीं गई हूँ एक दफा, तो इसीलिए अभी जो है वो मैं नीचे जा रही हूँ। ये क्या कर ले हो चाचू? ये क्या कर ले? रुक जा, किसने नोनी लगाई है? किसने लगाई है नोनी? माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरती से मामा ने सैलेड यहाँ पर सजाया है। ये मामा चने के लिए काले चने? हाँ, काला चना आज बनाया है। अच्छा, वाह, ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे मामा के हाथ का ये बहुत पसंद है। और आज ये भी डिफरेंट है, 10 बने। हाँ, लेकिन आपका बर्फ नहीं आया। हाँ, मैं बर्फ अभी ले आती हूँ। अच्छा, और ये जिंजर है, चटनी भी मामा लगता है आज ताजा बनाएंगे। धनिया का सबको बना, बस क्या रह गया? सिर्फ मिर्ची, हर बार मिर्ची ही रह जाती है। आज मिर्ची के पीछे बेसन क्यों हट रहा है? बेसन शायद पतला हो गया इसी वजह से। चले कोई बात नहीं, रोजादार जी भी रेडी हैं। आज बहुत गर्मी हो रही है ना? नहीं, आज बहुत सर्दी हो रही है। नहीं, आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आज जुज़ैर का भी कुछ बोलने को दिल नहीं चाह रहा है, इधर देख रहे जरा। रोजा लग रहा है। चलो नीचे चलते हैं, आ जाओ। बस खाना भी होने ही वाला है। 6:34 हो रहे, बस 10 मिनट है। चलो, और अल्लाह का शुक्र है अफ्तारी का पूरा दस्तरखान माशाल्लाह से सज गया और सब लोग आकर बैठ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है अफ्तारी का दस्तरखान, माशाल्लाह सब लोग एक साथ होते हैं और सब कुछ सामने रखा होता है और बस आप लोग अजान का इंतज़ार कर रहे होते हो। यहाँ पे मेरी बेटी भी अजान का इंतज़ार कर रही है कि जैसी ही अजान हो बस फ़ौरन से वो उठा के खाए, और उससे अपनी फेवरेट चीज़ सबसे पहले खाई है यानी अंडा चाप। वो हमेशा से अंडा चाप का इंतज़ार करती है कि बस अजान और मैं उठा के खाऊँ, और उससे सबसे पहले वही खाया है। और ये अफ्तारी के बाद की वीडियो है, अजान होने के बाद की। अभी सब लोग जो है यहाँ पे अपना अफ्तारी कर रहे हैं, अफ्तारी के बाद की नहीं, अजान के बाद की। A few moments later. Finally, मेरा खाना जो है वो बन गया इतनी देर के बाद। अफ्तार से पहले बन जाएगा लेकिन नहीं बना, तो अफ्तार में बिल्कुल स्लो इसका फ्लेम मैंने कर दिया था और नीचे चली गई थी, और अभी आई हूँ तो माशाल्लाह से रेडी है को लेने के लिए नीचे। लेकिन फातिमा यहाँ शायद कहीं जा रही है। इतने तेजी में मेरे भुके पे पानी पूरा गिराई है, वो खुद को भी गीला की हुई है। सही है, और बोल रही है कि फूफू मैं जा रही हूँ, पहले घूमने नहीं जाऊंगी, तो ऊपर फौरन सीढ़ी पे चली गई है। चलो आज आज छोड़ के मुझे चली गई, तो पता चला मेरे बारे में पानी गिरा दिया। चलिए बेटा, आपको चेंज करवा दो, फिर फूफू के साथ जाइएगा। उसे सो रहे हो? उठो, सर में दर्द होगा, उठ जाओ। एक्टर एक्टर है, एक्टर एक्टर इन लॉ है, हैं? उठ जाओ एक्टर, उठ जाओ, खत्म, चलो अब उठ।